करो इश्क, तुम्हें किसने रोका है, मुझे मेरे हिस्से की दोस्ती निभाने दो। ये ब्यूटीफुल लाइंस की जो राइटर है, और आज ये रेडियो हिंदुस्तान में लाइवली लम्हे में मैं आप सभी का, अपने ऑडियंस का स्वागत करती हूँ, और साथ ही साथ एक हैप्पी पीस ऑफ न्यूज शेयर करती हूँ कि जो लाइन अभी मैंने कोट की है उसकी राइटर है मनीषा श्री जी। तो मनीषा श्री मैम का, जो कि मलेशिया से है और पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट है, लेकिन साथ साथ वो एक फेमस हिंदी राइटर भी है। तो और कितने डिफरेंट वेरियस फेजेस है उनकी पर्सनालिटी के, आज हम जानेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से। तो मनीषा श्री मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो हिंदुस्तान के लाइवली लम्हे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इतनी कुछ खास नहीं हूँ मैं। हाँ, राइटर हूँ, फेमस हूँ कि नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता। राइटर हूँ ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, पेट्रोलियम साइंटिस्ट हूँ ये भी बिल्कुल ठीक कहा, बाकी बहुत आम सी लड़की हूँ। आम सी लड़की जो बड़ी खास है। और बहुत मैम को मैं बहुत टाइम से रीड कर रही हूँ बहुत सारी, और मैम की जो फेमस बुक है वो है रिक्ता, जिंदगी की गुल्लक। उनमें से मैम ने 4 डिफरेंट जॉनर्स में बुक लिखी है, और मैं चाहूंगी सबसे पहले हम शुरुआत यही करें, एक इंजीनियर से एक राइटर का सफर आपका, कैसे कैसे आपने जैसे इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मैम? अच्छा, तो ये होती है ना, जैसे कुछ घटनाएं घट जाती हैं, आप कभी उसे प्लान नहीं करते हैं, इसे विधि का विधान भी कह सकते हैं कि कभी कभी जीपीएस आपको इस रास्ते पे ले जाता है जो आपको पहले से पता नहीं होता, लेकिन वहां जाकर आपको पता चलता है, अच्छा वहां पहुंचने का ये भी एक रास्ता था। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मैं बचपन से लिखती थी या मुझे बहुत लिखने का शौक था। मैं बहुत पढ़ाकू टाइप की लड़की थी और मैं सिर्फ पढ़ाई ही करती थी, और मैं खेल कूद में भी बाहर नहीं थी। तो खेलने के नाम पे मुझे लूडो और चेस के अलावा ज्यादा कुछ खेलने भी नहीं आता था। तो मोटा मोटी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो करते हैं, खूब डट के पढ़ते हैं, मैंने उसके अलावा ज्यादा कुछ किया नहीं था। तो मैंने मेरी ग्रेजुएशन करी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हंसराज से, उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स करा है, एमटेक करा है अप्लाइड जियोलॉजी में आईआईटी रुड़की से। तो अब क्योंकि एक बड़ा नाम आपके साथ जुड़ जाता है तो आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं। तो बहुत कम उम्र थी, 21 साल की उम्र थी जब मेरी पहली नौकरी लगी, और बहुत ही बढ़िया नौकरी लगी। मतलब जितना आजकल भी लोग नहीं सोच पाते, उस तरीके की चीज हमें उस वक्त हासिल हो रही थी। तो आप पूरे तरीके से उसी में जुट गए थे। मैंने 12.5-13 साल करीब नौकरी करी, उसके बाद हम लोग मलेशिया शिफ्ट हो गए। यहाँ जब शिफ्ट हुए तो मेरा बेटा 5 साल का था, तो उसके लिए बिल्कुल नई जगह थी और लैंग्वेज का भी एक इशू था। मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, थोड़ा इसके साथ वक्त बिताते, क्योंकि मैंने कभी उसके साथ ना पूरा वक्त नहीं बिताया था। सुबह जी उठो, बच्चे को लो, पैक करो उसको, उसका सामान पैक करो, स्कूल छोड़ो, डे केयर छोड़ो, ऑफिस जाओ, फिर आओ, ना, एंड रिपीट द प्रोसेस। तो आप पूरे तरीके से ना माँ नहीं बन पा रहे थे, और आपको ना एक चीज मैं कंटिन्यूअसली सुन रही थी कि तुम अच्छी माँ नहीं हो, क्योंकि तुम अपने करियर पे इतना ध्यान दे रही हो कि तुम अच्छी माँ नहीं हो। और मैं एक बड़े उधेड़बुन में थी कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरे को बचपन से ये बताया गया कि पढ़ो बनो, पढ़ो बनो। अब जब पढ़ के बन गई तो लोग कह रहे कि तुम अच्छा नहीं बनी, तो इतना टाइम मेरी जिंदगी का क्यों बर्बाद किया गया। अभी मैं ना ऑलरेडी 32 साल की हो चुकी थी ये सब कुछ होते होते सुनते जी सुनाते, तो मुझे लगा कि ठीक है अब ऐसा करते हैं, अच्छी माँ बनकर देखते हैं। और माँ क्या है ना, ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, माँ बस माँ माँ से होती है। बिल्कुल हाँ, माँ का कुछ अच्छा, ये आपको तब पता चलता है जब आप उस खोज में निकलते हैं कि अच्छी माँ क्या चीज है। तो मैंने ब्रेक लिया, उस ब्रेक में एक और घटना घट गई, ऑयल मार्केट पूरी तरीके से टूट चुका था। आपको अगर पता नहीं, अगर आप लोग फॉलो करते हो कमोडिटीज को, तो 2015 में एक बड़ा ऑयल स्लंप आया था। तो थोड़े जॉब के भी क्रंचेस थे, माई हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली, तो समबडी हैज टू स्टे बैक। और हमारी लव मैरिज हुई थी, और प्रॉपर लव मैरिज हुई है, प्रॉपर। तो हमारे जी पास नाना नानी और दादा दादी जो थे वो हमारी जिंदगी से माइनस थे। तो एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योर ओन। तो अब वो बाहर, मैं बाहर, तो बच्चा कहाँ। तो देन आई टेक अ बैक सीट, आई विल नॉट से आई टेक अ बैक सीट, आई हैव टेकन अ साइड सीट,
एंड आई जी थॉट कि लेट मी एंजॉय द म्यूजिक जो गाड़ी में बज रहा है. जरूरी नहीं है कि हर बार मैं गाड़ी ड्राइव करके ही गाना सुनूं, इसे चलाने दो गाड़ी, हम गाना सुनते हैं. तो इससे ये कहानी शुरू हुई. मगर जिसको आदत होती है ना दौड़ने की, उसके अगर आप टांग काट भी दो ना तो वो रेंगेगा, बैठेगा नहीं. तो बिल्कुल उससे मैंने कविता लिखना शुरू करा. मैंने एक कविता लिखी थी, वो छोटी सी कहानी है, मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ. कि मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, वो अपने फादर से ना बड़ी अटैच थी. तो वो हमेशा ना पापा 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 करती रहती थी. तो उसकी मदर को मैंने पूछा कि ये आपका नाम कम बुलाती है, तो कहती कि नहीं, ये अपने पापा को ज्यादा याद करती है. मतलब पापा उसके साथ रहते भी नहीं थे, दे वर अ डिवोर्स कपल, ठीक है. बट ओके स्टिल द गर्ल वाज सो अटैच्ड टू फादर. देन आई सेड, आपको पता है मुझे भी जब चोट लगती है ना, मेरे मुंह से माँ नहीं निकलता है, पापा निकलता है. तो उसने कहा अच्छा. एंड वो थॉट ना मुझे एकदम से पता नहीं क्यों क्लिक कर गया कि जब भी चोट लगे मुझको मैं पापा पापा कर दूंगी. एंड हाँ आपने सुना होगा कि आपको चोट लगती है तो सबसे पहले माँ, मम्मी, वहां अम्मा, निकलता है. यस है ना. हाँ तो उस पर मैंने कविता लिखी और वो थोड़ी वायरल हो गई. जी उससे मुझे बूस्ट मिल गया. तो ऐसे मैंने कविता लिखी और उस कविता की जो हुक लाइन होती है वो यही थी कि जब जब चोट लगे मुझको मैं पापा पापा करती हूँ. तो वो कविता थोड़ी वायरल हो गई, लोगों ने कहा अच्छी लिखी है, बस अंधे को क्या चाहिए दो आंख. तो मुझे एक नया हाँ काम मिल गया. तो वो जो मेरे गिले शिकवे थे कि मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं घर बैठ गई, और एक होता है आपकी उम्र जब कम होती है और जब कोई चीज आप बहुत मशक्कत के बाद हासिल करते हैं तो वो रेत की तरह जब आपके हाथ से फिसलती है ना, तो रेत पूरा नहीं फिसलता है, दो चार कण जो होते हैं वो हाथ में रह जाते हैं, वो कण जो जी होते हैं वो मलाल के होते हैं. तो मेरा वो मलाल जो था वो लिखने से धुल गया. तो जी मैंने लिखना शुरू कर दिया, रेडियो में काम मिल गया, मैं न्यूज़पेपर के लिए, लल्लन टॉप के लिए, अलग अलग जगह ना फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया. तो बहुत पैसा तो नहीं आ रहा था मगर ठीक ठाक पैसा भी आने लग गया. तो आपको ना एक अलग तरीके की ऊर्जा मिलती है कि आप जहाँ जा रहे हैं वो गलत नहीं है. और उसी टाइम मैंने ये चीज को डिस्कवर किया कि मैं लिख सकती हूँ और मैं ना बहुत ब्रेव हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है अपने इमोशंस को ना सामने वाले को बताने में. मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो मुझे कैसे जज करेगा, क्योंकि जज करना उसके पार्ट का काम है, वो मेरे पार्ट का काम नहीं है. तो शायद इसीलिए मैं लिख भी पाती हूँ. तो बस मैंने लिखना शुरू करा और फिर गाड़ी चल गई. अब तो 4-5 किताबें लिख दी हैं मैंने, कई गाने लिख दिए हैं, रेडियो पे 100 से ज्यादा कहानियां हैं मेरी. अभी एक मूवी है एनआरआई वाइव्स करके, 26 को वो वर्ल्ड वाइड सारे PVRs पे रिलीज हो रही है और उसके बाद आप उसे OTT पे भी देख पाएंगे. और भी बहुत जगह स्क्रिप्ट लिख लिख के डाल रखी है. आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि कारवां चलता रहे. बिल्कुल ऑलवेज मैं तो आपको सुनती हूँ ना, हम रेगुलर बेसिस पर जैसे पढ़ती भी हूँ आपकी FB पर और जो भी आप पोस्ट करते हो. और एक और जो बात है मैम, जो मुझे अभी कहना, जैसे बड़ी इंस्पायरिंग लगी आपके वर्ड्स, जैसे आप बता रहे हो ना बहुत ब्रेव है. नॉर्मली जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है ना कि पीपल आर वेरी जजमेंटल और वी आर स्क्योर्ड ऑफ दैट कि हम ऐसा बोलेंगे ऐसा करेंगे तो फलाना क्या कहेगा. जो LK के सिंड्रोम है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग हमें क्या बहुत कहेंगे. ज्यादा छोड़ता है. लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे स्टेप हम बिल्कुल अपनी लाइफ में इसलिए ही नहीं ले पाते. तो बहुत आई होप कि हमारे ऑडियंस को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी इससे कि हाँ मैम की जो ब्रेवरी है कि डिसीजन अपने आप लेने चाहिए. तो जो आपकी सक्सेस हाँ है, जो सक्सेस स्टोरी है, वो आपकी अपनी भी नहीं होती, वो दूसरों को बड़ा इंस्पायर करती है. तो क्या कभी लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपकी रियल लाइफ में कोई आपसे इतना इंस्पायर हुआ, आपकी हाँ सराउंडिंग? ये तो अक्सर होता है. पता है जैसे सपोज अगर मैं लिख रही हूँ, आप मुझे पढ़ रहे हो, या मैं आप मेरी आवाज सुनते हो, या जो भी आपको मेरा अच्छा लगता है, और कोई आके मुझे कहता है कि मैं लिखना चाहता हूँ, जी मैं आपकी कविता पढ़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैं आपसे बेहतर लिख सकता हूँ, आपसे बेहतर पढ़ सकता हूँ, तो ये अपने आप में एक लेखक के लिए या कोई भी काम करने वाले के लिए इससे बड़ा मेडल कोई नहीं है कि उसने अपने आगे की जनरेशन रेडी कर दी. अगर मुझे जी पढ़ के किसी को लिखने का मन कर गया तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये मेरी जीत है. अगर मैं लिख रही हूँ, मनीषा श्री लिख रही है और उसके बाद मनीषा गोयल,
मनीषा गोयल का मन कर गया कि ये तो मैं भी एक किताब लिख सकती हूँ, मेरी जिंदगी में भी इतनी कहानियां हैं, उसको जोड़ के मैं भी एक किताब लिख सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है कि मतलब आप बताइए कि मेरा पढ़ के आप कितने इंस्पायर हुए कि आपको आपके अंदर की छुपी हुई एक छोटी सी मतलब आपके चिंगारी नजर आ गई और अब आप उसको दहकाने के लिए रेडी हो गए। तो जी ये इंसिडेंट्स तो मेरे साथ अक्सर होते हैं, और मैं बताऊं लिखने का सबसे बड़ा सुख यही है कि आप अपने आसपास लेखक तैयार कर रहे हैं। जी आपको सिर्फ पढ़ना नहीं, सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज योर वॉइस इज वेरी वेलवेटी. मैंने हमेशा आपको कमेंट भी किया है उस पर, एंड इट इज माय प्लेजर कि मेरी जो फेवरेट है मनीषा श्री, आज वो मेरे साथ है रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर. अरे नहीं तो नहीं बहुत बहुत, हाँ, यू आर वेरी सुनो कुछ काइंड एंड कहना जेनरस। है, सुनो सुनो कुछ कुछ कहना है आपको, ये जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुनो कुछ कहना है. तो इसमें जो आप बोलते हो ना, जब तो जो बातें जो आप बोलते हैं वो तो होते ही. योर वॉइस इज म्यूटेड, योर वॉइस इज म्यूटेड। अच्छा, कैन यू हियर मी? आई वॉज टेलिंग कि ये ऐसा है जैसे आइसिंग ऑन द केक, जैसे जब आपको सुनते हैं ना पढ़ते हुए तो बहुत अच्छा लगता है ये आपको, बट वेन यू वेन आई लिसन, स्पेशली जब मैं आपको सुनती हूँ, तो वो होता है जैसे आइसिंग ऑन द केक. सुनकर जो इमोशंस आपकी वॉइस से आते हैं, तो दैट अराउज इज दैट टच द हार्ट एक्चुअली. उसके ये पीछे भी कैसे एक कहानी है शुरुआत है, कि इसके पीछे का? ये हाँ कैसे शुरू हुआ। देखो मैं गाना तो बिल्कुल नहीं गाती हूँ क्योंकि मेरी आवाज गाने लायक नहीं है, और एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, मैं लिखती हूँ और वो गाने बनाता है। तो उसके साथ भी बात हो रही थी और भी किसी से, मेरी ना ये मेरा तकिया कलाम था, जैसे मुझे तुम्हें कुछ कहना है ना तो मैं ऐसे बोलूंगी सुनो, तो वो कहता है हाँ, का कुछ कहना है, ये ना ये एक आपका तकिया कलाम। तो ऐसे ही मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि सुनो, और वहां से रिस्पॉन्स आया हाँ, तो मैंने कहा कुछ कहना है, तो कहो ना, एंड देन आई स्टार्ट रीडिंग माई पोएट्री। तो वो उस टाइम पे उसने कहा तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर ऐसे करके मैंने अपना एक पेज बनाया और फिर मैंने इसी को यूज करना स्टार्ट करा कि जब भी मैं कोई कविता पढ़ती हूँ तो उस कविता से पहले के भावों को मैं बताती हूँ, और कविता पढ़ते वक्त कहती हूँ सुनो कुछ कहना है। तो इसके पीछे बस इतना है, और अच्छा लगता है लोगों को, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक बेसुरी गायिका अगर अच्छी आवाज में अपनी कविता पढ़ पा रही है तो बहुत बड़ी बात बहुत ऐसे बड़ी बात है, क्योंकि नहीं चाहिए, जब आपकी आवाज तो वास्तव में बहुत अच्छी है, मैंने सुना है. तो वो इमोशंस है, फुल ऑफ इमोशंस है व्हेन यू स्पीक टू रिसाइट योर पोएम्स. या उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है माइक के आगे, और जो आपके मन में चल रहा है ना वो आपको बोल देना है, दैट्स इट। अगर आप पढ़ेंगे तो वो भावना आएगी ही नहीं, लेकिन अगर आप बोलेंगे ना तो वो भावना आ जाएगी। लेकिन उसके लिए ना आपको उतना निडर होना पड़ेगा, जैसे जो आपने कहा तुम करो इश्क, तुम्हें किसने रोका है, मुझे मेरे दैट हिस्से के दुख से निभाने इज दो। वेरी तो हाँ, टचिंग. तो ये क्या मैं एक मूवी देख रही थी, ऐ दिल ए मुश्किल, तो उसमें अनरिक्रूटेड लव, यू नो, एक तरफे इश्क के बारे में बात करी। देन आई वाज थिंकिंग कि यू नो, ये उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, उस मूवी से ही, कि हाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ गर्ल एंड अ बॉय टू रिमेन इन अ रिलेशनशिप, बट दैट रिलेशनशिप शुड नॉट बी रोमांस। यू नो, यस यस इवन इफ इट इज अ रोमांस, इट शुड नॉट गो अप टू द फिजिकल लेवल, देयर शुड नॉट बी एनी अट्रैक्शन, यस हाँ, अदर देन अ फ्रेंडशिप। होता है ना, हमारी सहेलियां होती हैं, हम उनसे दोस्ती रखते हैं, तो हमारे सहेले क्यों नहीं हो पाते हैं? नहीं हो पाते, कोई एक बिल्कुल. ऐसा जरूर हो जाता है जिसके मन में फुलझड़ियां जलने लगती है, तो वहां पे आप कई बार ऐसा रिश्ता खो देते हैं जो आप कभी खोना नहीं चाहते। मतलब यू मीट अ पर्सन, इट हैपेंस है ना इन रियल इट लाइफ हैपेंस, आल्सो, आई हैव सीन. यस हाँ, यू मीट अ पर्सन एंड यू इंस्टेंटली फील अ स्पार्क, जबकि आपका और उसका कोई मेल नहीं है। आप अगर अकेले में बैठ के सोचे तो आपका और उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई मेल नहीं है, मगर फिर भी आपको एक स्पार्क फील होता है। लेकिन उस स्पार्क का मतलब रोमांस नहीं होगा ना, हो सकता है वो स्पार्क सिर्फ फ्रेंडशिप हो। तो लेकिन क्योंकि वैसा रह नहीं पाता है तो आपको खुद उसके ऊपर पानी डाल के उसको खत्म करना पड़ता है, विच इज अ वेरी जी सैड थिंग। हाँ, बट यहाँ पे ये सैड जो पार्ट है, इसी के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है ना लाइफ के,
इस पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रही थी कि मैम कि वास्तव में मतलब जैसे एक तो ये स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी है, जैसे एक कहा जाता है ना कि एक एक मेल और फीमेल में कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। दूसरा है कि ये कि एक बर्थ राइट मानते हैं, जैसे यदि कोई लड़की आपसे बात कर रही है, कोई फीमेल आपसे बात कर रही है, इट डज नॉट मीन कि वो आपसे वास्तव में लव ही कर रही है, वो एक नियरली फ्रेंडशिप है, एक कॉमन जैसे फ्रेंडशिप आप कहें वो थ्रेड है उसका। बट समटाइम्स इट हैपेंस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई जस्ट सॉ कि लोग उसे क्या फील करते हैं कि माइट बी इट इज द लव बट इट इज नॉट द लव इन दैट वे, जैसे आप उसे रोमांटिक हाँ, वे में से ले। प्यार तो बहुत तो तरीके से होता है ना, हम अपने माँ हाँ बाप से करते हैं, बिल्कुल अपने बिल्कुल बच्चों से करते यस हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन वो एक पजेसिवनेस जो आने लग जाती है ना मेल्स के अंदर स्पेशली, कि हम यदि किसी फीमेल से बात करें तो इट मीन्स ओनली वन रिलेशनशिप शुड बी देयर। बट फॉर्चुनेटली कि जो यंग जनरेशन है वो इस बात को बड़े अच्छे से समझ पाती है कि ये चलो, फ्रेंडशिप इज डिफरेंट एंड लव इज डिफरेंट। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर हमारी आने वाली पीढ़ी अगर इस बात को समझे तो। मगर ये होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप चाहते हैं कि आपको कोई सुनने वाला दोस्त मिले, बिल्कुल लेकिन उस दोस्ती की शर्त ये रख दी जाती है कि नहीं, ये तो तभी मिलेगा जब ये चीज मिलेगी। तो वो जो बिल्कुल हर चीज में व्यापार हो गया, अब तो रिश्तों में भी व्यापार हो गया कि तुम ये करोगे तो तुमको वो मिलेगा, तो तुमको दोस्त चाहिए ना जो तुमको सुने, तो उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो वो जब अपोजिट जेंडर्स में होता है, लाइक अगर गर्ल और बॉय में है, तो वहां पर जो भी पार्टी थोड़ी कमजोर होती है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, जो इट स्ट्रांग होती है वो अपने पॉइंट्स रख किल्स लेती है। एक्चुअली इन मोस्ट इट ऑफ द किल्स टाइम देम। व्हेन यू आर नॉट रेडी टू फुलफिल द कंडीशंस, जो कंडीशंस लेड डाउन बाय दैट यस, पर्सन, तो इट किल्स द इट रिलेशनशिप, इट किल्स किल्स द ट्रस्ट ऑल्सो। वो ना फिर यस आपको ट्रस्ट भी आपका टूटता है, फिर हाँ आप आगे किसी से भी दोस्ती नहीं करते, नहीं कर पाते बिल्कुल जांच सही पड़ताल के बाद भी नहीं करते कि नहीं नहीं बिल्कुल करने, तो वो एक एक और चीज है। आपका जो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, अभी मैं पहले मूवी पर तो भी बात करूंगी और बुक्स पे भी, एक जो मैम का जो सोचने का नजरिया है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मतलब यू आर आई आई शुड से कि द कंप्लीट पैकेज ऑफ द मॉडर्न एंड द ट्रेडिशन। एक तो आप अच्छा, मलेशिया में रह रहे हो, उसके बाद भी आप मतलब जैसे हिंदी में लिख रहे हो एंड यू आर प्रमोटिंग हिंदी, एंड आई नो कि आपकी एक बुक थी आई थिंक इट इज जिंदगी की गुल्लक, आई थिंक इफ आई एम नॉट टू मेक द मिस्टेक, ये पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है ना, ये ऐसा पार्लियामेंट कुछ की है। लाइब्रेरी में है, मैड्रास यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने इसके ऊपर एमफिल करी है और अब एक लड़का इसके अच्छा ऊपर पीएचडी कर रहा है, अच्छा जिंदगी की गुल्लक के ऊपर ही है। हाँ जिंदगी के गुल्लक के तो ऊपर। आई हाँ हाँ यही मैं आपके बात करना चाह रही थी कि जो देर आर सो मेनी राइटर्स, मतलब मैंने देखा है कि FB पे जो सेल्फ एक्लेम्ड राइटर्स है उनकी एक बाढ़ आई हुई है, फ्लड है एक वहां पर हाँ सेल्फ एक्लेम्ड हाँ राइटर्स का। और जो जैसे मैंने भी खुद का भी मेरे एक्सपीरियंस है, समटाइम्स द पीपल से व्हेन आई राइट ना, तो मैं भी जैसे आप लिखते हो ना तो उसमें मतलब फीलिंग्स ही होती है, उसमें मीटर क्या होता है वो मैं नहीं जानती, बिकॉज इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ हार्ट, जैसे आप लिखते हो वो दिल से निकलता है आपके, तो उसमें जैसे जब कोई कहता है ना कि मीटर में होना चाहिए तो वो मीटर हम नहीं लिख पाते, ये हाँ नहीं आता, और जो लोग मीटर में लिखते हैं वो दिल के अंदर नहीं उतरता, हर चीज नहीं, जो फिर वो मीटर में मैकेनिकल, वो करती है मैकेनिकल वो हो गया। टेक्निकल। यस 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 तो मैं यही ये कहना चाह रही थी कि आपके अंदर क्या है कि उसमें फीलिंग है, मतलब द सोल इज देयर इन योर राइटिंग एंड योर यू नो जो थिंकिंग पार्ट है, जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है वो मुझे अट्रैक्ट करती है, जैसे स्पेशली ऑन वीमेन्स डे व्हेन देयर आर द मैसेज ऑफ एंड यू ऑलवेज राइट डू हाँ, नॉट सीक फॉर यस, सच काइंड ऑफ है ना हाँ, कंसिडरेशन कि बिल्कुल यू आर द बिल्कुल, फीमेल। तो ये मैं जरा हाईलाइट करिए ऑडियंस को कि आपकी जो मैं तो हाँ। जानती हूँ अब बट देखो हाँ प्लीज। क्या है कि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, एंड मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बहुत ही मामूली परिवार से आती हूँ, जहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे परिवार में भेदभाव हुआ, मगर हम जिस समाज में रह रहे थे वहां पे था कि लड़का ये होता है, लड़की ये होती है। मेरी माँ ना हमेशा एक बात कहती थी, हाँ, मतलब औरत होने पे नहीं, वो हमेशा कहती थी कि तुम लोग क्या समझोगे, शरीर फाड़ के तुमको निकाला है। और वो बात ना मेरे को हमेशा क्लिक करती थी कि जो आदमी शरीर फाड़ के आदमी निकाल सकता है, क्या उसे अपनी ताकत के लिए किसी और से सर्टिफिकेट चाहिए? मतलब एक हाँ औरत, आप सोचे कि आपके आपके बेटे होंगे या आपके घर में और भी आदमी होंगे जो 6-6 फीट लंबे होंगे,
बिल्कुल आपकी छोटी सी योनी को फाड़ के वो निकल गया और आज इतना बड़ा इंसान बन गया। व्हाई यू नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सोसाइटी, फ्रॉम एनीवन, कि वो आपको कहे कि भाई मनीषा तुम बड़ी पावरफुल हो। अपने आप अपनी अपनी पावर दिखा दीजिए। और जो औरतें मां नहीं भी बन पाई हैं, वो भी अपने अंदर ममता रखती हैं, रखती है ना। अगर बच्चों के प्रति नहीं रखती हैं तो पौधों के प्रति रखती हैं, पौधों के प्रति नहीं रखती है तो जानवर के प्रति, कहीं ना कहीं तो ममता रहती है ना। एक औरत ही है जो बोलते बोलते उसका गला भर आता है, आदमी का नहीं भरता है। तो जिस आदमी के पास इमोशन का इतना बड़ा भवसागर है, जो अपना शरीर फाड़ के इंसान पैदा कर सकता है, उसे क्यों किसी से चाहिए कि मैं, मुझे एक्लेम करो कि भाई मैं औरत हूं, मैं शक्ति हूं, मैं नारायणी हूं। इट्स ओके, तुम जो हो वो सबके सामने अपने आप साबित हो जाएगा। तुम साबित करने की कोशिश तो करो। देखो हमारे में प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे धर्म पे लोग बट रहे हैं ना, वैसे धर्म से पहले हम बट गए। तुम आदमी हो, मैं औरत हूं, और मैं थर्ड जेंडर हूँ। इन सबसे राइवल्स पहले मान हम लिया गया, इंसान मेल और फीमेल जबकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, और है। जैसे एग्जैक्टली प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, तो उसे एक्सेप्ट करने में व्हाट इज द हार्म। लेकिन हम लोग राइवल्स बिल्कुल बन गए, ये फेक फेमिनिज्म जो चल रहा हाँ है दैट बिल्कुल इज हाँ। वेरी तो वही हार्मफुल। इसलिए मैं कहती हूँ कि होना चाहिए ह्यूमनिज्म। यस आदमी एग्जैक्टली को ना आदमी बन जाना चाहिए। क्योंकि हाँ मेरे पास भी एक बेटा है, मेरा बेटा 15 साल का है। मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि देखो तुम जो हो और एक लड़की जो है, इसमें सिर्फ सेक्स ऑर्गन का डिफरेंस है और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। और उसके पास डबल सेक्स ऑर्गन है ना, तो वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, उसकी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक ही हथियार है, उसके पास दो दो हथियार है, तो उसकी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। तो हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है। हम अपने बच्चों को भी ये चीज सिखाएं, बेटियों को भी सिखाएं कि देखो प्लीज बिल्कुल हर एक बार जाकर अपने आप को अबला मत दिखाओ। अगर हो भी अबला, ठीक है, तो भी मत दिखाओ। जब आपका कोई विक्टिम एक कार्ड अंग प्ले खराब करना होता ये है, बहुत ही रॉन्ग है। हाँ बंद कर, आपके चेहरे पे दाग होता है, आपके हाथ पैर पे दाग होता है, आप उसे छुपाते हैं ना, ये दुनिया भर को दिखाते हैं, उसका इलाज कराते हैं। आपका पैर खराब है, हाथ खराब है, आप क्या करते हैं, यू क्योर इट। आप जाते हैं, आप उसका इलाज कराते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्त्रीत्व आपको कहीं से कमजोर बना रहा है, तो उसे बुलंद करिए। दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा। इंसान बनिए, अब आदमी औरत तो जो भगवान ने बनाना था बना दिया, आप बदल तो सकते नहीं। खैर आजकल तो बिल्कुल लोग बदल भी रहे हैं। हाँ। तो बट ये जैसे हम कहते हैं ना, गो पैरेलल टू नेचर, आपने जैसे कहा कि बदल रहे हैं, तो गो पैरेलल टू नेचर, जो हमें व्हाट एवर वी हैव गॉट ना, सो वी मस्ट चेरिश दैट। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी ईश्वर ने हमें जैसा भी बनाया तो उसे चेरिश करना चाहिए। व्हाई वी आर चेंजिंग आवर आइडेंटिटी, मतलब इस तरीके से जेंडर चेंज करना, ये सब करना, मतलब दैट इज नॉट द नॉर्मल पार्ट। मतलब आई फील लाइक दैट कि जो भी है हम, जैसे भी है, तो उसे सेलिब्रेट करें, मतलब हम हैं, हमारा वो जो भी हाथ में, अस्तित्व। हाथ में चाकू आ गया ना, तो अब वो चाकू तो चाकू है, उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो अब क्योंकि साइंस है, डेवलपमेंट है, तो चीजें आ रही हैं, लेकिन ये आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, आपकी अपनी विजडम। अभी मेरी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, तो मैं उन्हें भी ये कह रही थी कि अपनी विजडम को यूज करने से ज्यादा जरूरी है कि अपने विजडम को हमेशा अलर्ट रखिए कि बिल्कुल आपके आसपास जो घट रहा है क्या वो सही है, आपके लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि हर एक का सही और गलत अलग अलग होता है, तो आपके लिए क्या बिल्कुल सही है ये आपका विजडम आपको बता देगा। आप उसको अलर्ट करके रखिए, मतलब तो इंद्रियां जो है अपनी खुली रखिए। बस यूं बिल्कुल ही बहना भी ठीक नहीं है। तो लेकिन लोग ये है ना कि मैं लड़की हूं तो मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मॉडर्निटी मैं के नाम लड़का पे बन बहुत जाऊं। सारा, हाँ ये हाँ सारी चीजें। मुझे तो लगता है कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द वर्ल्ड। एक लेडी के अंदर यस, इतनी सारी चीजें होती है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैंने कहा ना कि अब ब्यूटीफुल नहीं है, इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस। यस यू यस शुड एक्सपीरियंस इट। आई एम टेलिंग यू, ओनली बीइंग अ लेडी यू कैन प्रोड्यूस बेबीज, एंड यस दिस इज समथिंग, यू नो, इट्स वेरी पावरफुल। ये एक ऐसा क्षण होता है जब हर आदमी मौत के मुंह से जाकर निकल कर आता है, और ये इनायत जो है कुदरत ने सिर्फ औरत को बख्शी है कि तुम मौत का दरवाजा देखो जीवन और वहां से खुशी लेकर आओ। तो बीइंग अ देना लेडी और इज, हाँ हाँ, और जिंदगी गढ़ना, वो सब मतलब आपके हाथ में है, तो यू आर जस्ट नेक्स्ट आपके टू द हाथ में क्रिएटर। है,
जब छाती यस से आपका बच्चा चिपकता है और वो दूध पी रहा होता है, आप उस पल सोचिए कि किसी की सांसें आपकी नसों से बह रही है, किसी की सांसें आपकी नसों से बह रही है। ठीक है, फॉर्मूला मिल्क आ गया है बाजार में, लोग पी रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माएं नहीं रहती हैं, वो भी जी जाते हैं, मगर जिनकी माएं हैं और जो छाती से चिपका के अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ये बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। यू शुड फील इट ना कि आपके हाथ में किसी की जिंदगी है, बिना डॉक्टर बने हुए आप एक्चुअली किसी की जिंदगी को संभाल रहे हैं, आप बिल्कुल एक चीज क्रिएट कर रहे हैं, है ना। कल को आपकी हाँ क्रिएशन, देखो मैं 4 किताबें लिखूं या 400 किताबें लिखूं, लेकिन एक क्रिएशन तो मैं कर चुकी हूँ ना आज से 15 साल पहले। बेस्ट क्रिएशन मेरे बाद, हाँ मेरे बाद मेरी किताबें भी रहेंगी, लेकिन मेरे बाद मेरा डीएनए, में जैसे कहते हैं ना आप कभी नहीं मरोगे, तो मैं मेरा बिल्कुल क्रिएशन कर चुकी हूँ। तो वो भी एक चीज है ना, आप देखो सोचने का तरीका है, ये सिर्फ सोचने का तरीका है। आप मानोगे तो खुद को शक्ति मानोगे, नहीं मानोगे तो खुद को अबला मानोगे। बिल्कुल अगर रिजर्वेशन मांग रहे हो तो इसका मतलब अपने आप को अबला मानो। हम लोग तो जनरल कैटेगरी से फॉल करते थे, लेकिन हमने भी तो कंपटीशन क्रैक किया ना। मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि अरे 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ST SC है और 50 बाकी की OBC को चली गई, तो मुझे तो बहुत हाई कंपटीशन, ये भी अपने आप में बड़ी प्राउड फीलिंग आती है। अच्छा, हमारे लिए चैलेंज और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, यानी कि हम उस काबिल हैं। तो आई डोंट फील लाइक कि वुमेन शुड चीको फाइन फॉर द रिजर्वेशन ऑल्सो, हाँ दे बिल्कुल शुड पुट बिल्कुल देयर एनर्जी इन टू क्रिएट देयर ओन स्पेस। बिल्कुल डिजर्विंग बनकर ही हम किसी चीज को अवेल करते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग, है ना, बेस्ट फीलिंग हाँ दैट कि हम उसके लिए डिजर्व करते हैं, अर्न करते हैं ना, प्रेस्टीज है या कुछ भी है ऐसा, तो हम अर्न कर रहे हैं उसे अपने काम से, तो वो दैट इज दैट मैटर्स अ लॉट हाँ, तो इसी औरत के को तो हाँ ऐसे मौके बहुत मिलते हैं जहां वो अर्न कर सके। बिल्कुल मैम। एंड आप ओनली अ फीमेल, व्हाट आई फील कि ओनली अ फीमेल हैज दैट यू नो दैट स्पार्क इनसाइड टू इग्नाइट अदर्स। वो स्पार्क एक यस लेडी के अंदर ही होता है, जो किसी भी रिश्ते में आप देखें तो कहते हैं कि मेल जो है वो पावरफुल होते हैं, बट एज अ वाइफ, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, वी सी कि देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन वी फाइंड कि जो मेल वंस है वो बिल्कुल डाउन फील कर रहे हैं, लेकिन आपके जो दो बोल प्यार के होते हैं और जो इंस्पायरिंग वर्ड्स होते हैं वो आपको एकदम से, जो वो जो मेल है कंसर्न, वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका हस्बैंड है, या फिर बेटा है या भाई है, एकदम से वो सडनली चेंज आ जाता है। तो व्हाई बिल्कुल डोंट, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, लेकिन आप तो एक मतलब रिप्रेजेंट करते हो एक ब्रेव लेडी है, और बहुत सारे मोर्चे पर आपने संभाला हुआ ब्रेव, हाँ ब्रेव मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मुझे रिंग में उतार दोगे तो मैं जीत कर ही लौटूंगी, लेकिन दैट इज लाइफ तो के रिंग में है, वी हाँ ऑल आर इन द रिंग ऑफ लाइफ मैम। या बट ब्रेव में मैं हाँ इतना जरूर कहूंगी कि आ, 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 मुझे नहीं डर लगता है जो मेरे मन में वो कहने में, मुझे डर नहीं लगता है अपनी गलतियां स्वीकारने में। और ये भी शायद परवरिश का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि आप बड़े ही ऐसे किए जाते हैं, तो वो क्या होता है ना कि आपका कैरेक्टर बन जाता है कि हाँ मतलब अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ तो मुझे नहीं फर्क पड़ा। अब जैसे सपोज मैंने जितना लिखा है उसमें सबसे ज्यादा इश्क लिखा है, सबसे ज्यादा इश्क लिखा है, एंड यू वोंट बिलीव दैट आई नेवर हैड मल्टीपल रिलेशनशिप। मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मेरी शादी हो गई, सो एंड आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड इन मेनी वेज आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड गोइंग टू द शेल काइंड ऑफ अ गर्ल। तो मेरे को नहीं लगता है, मुझे लगता है मैं पूरी जिंदगी में शायद एक या दो लड़कों के साथ ही खुल पाई हूँ आज तक। तो लेकिन मैं इश्क इतना लिखती हूँ कि कोई पढ़ेगा तो सोचेगा कि लड़की तो सिर्फ इश्क में ही डूबी रहती। सो यू आर लिविंग दैट ना, यू आर लिविंग योर लव ना इन रियल लाइफ, सो माइट बी दैट इज द रीजन। और मे बी आई लव रोमांस, यस आई लव रोमांस, सो ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। मुझे इश्क बहुत भाता है, जैसे किसी को देशभक्ति भाती है, किसी को नेचर भाता है ना, हर एक आदमी की एक वो होती है ना, मुझे रोमांस बहुत भाता है। मतलब मैं अपनी आम बोलचाल में भी ना मेरा बस चले तो मैं सिर्फ इश्क ही झाड़ती रहूं हर जगह। तो अब ऐसा तो था नहीं ना कि गालिब की बड़ी महबूबाएं थी,
बिल्कुल ऐसे लोग जो बहुत इश्क लिखते हैं उनके जिंदगी में इश्क करने वाले लोग बहुत कम आते हैं, वो इक्के दुक्के ही होते हैं, हाँ तो वो हो सकता है। लेकिन पढ़ने वाले को यही लगेगा कि इनका तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑन रहता है, लेकिन आई ऐसा आई वुड होता लाइक नहीं। टू शेयर द सेम थिंग. सो आई रोट अ पोयम एंड आई शोड इट टू माई कलीग. तो उन्होंने पढ़ा, उसे बहुत अप्रिशिएट किया. उन्होंने कहा बहुत अच्छा लिखा है, बट ये बताओ कि लिखा किसके लिए है. एंड आई लव्ड सो मच. इट इज नॉट लाइक दैट कि वो पर्सन बिल्कुल एक ऐसे फिजिकल फॉर्म में आपके सामने होता है. समटाइम्स यू फील लाइक दैट, जैसे आप कहते ना हम इश्क जीते यस हैं. और वॉट आई शुड से कि लव इज द एसेंस ऑफ अ फीमेल. आप एक फीमेल सेंसिटिव हार्ट है तो आप लव से दूर रह ही नहीं सकते. जो एसेंस है, नहीं ट्रू रहता। लव, वो फील हमेशा आपके साथ रहती है. उसके फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं अलग अलग रिश्तों में, बट इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कैरेक्टर, यू नो. एंड रोमांस इज, यू नो, रोमांस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द लव, एकदम बहुत प्योर। जब आदमी रोमांस में होता है ना, जब आदमी सच में इश्क में होता है, तो वो सबसे खूबसूरत लग रहा होता है और वो सबसे एग्जैक्टली. मासूम लग रहा होता है। तो मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है इश्क पर लिखना, और मैं लिखती हूँ, और ये मेरी कल्पना ही होती है। 99.9% उसमें लिखी हुई चीजें मेरी कल्पना ही होती है, और वो लेखक ही क्या जो कल्पना ना लिख पाए, बिल्कुल और बिल्कुल, ऐसी ये ना लिख हमने पाए भी कि रिफ्लेक्ट सामने वाले को, किया. हाँ, और ऐसी ना लिख पाए कि सामने वाले को ये लगे कि ये तो जी कर आए हैं, हाँ बिल्कुल, लगे ही लेखक बिल्कुल ही है जो, हाँ, एक्सपीरियंस है. हाँ, इज लेखक ही द है जो आपको बता देगा कि रेगिस्तान में रेत नहीं है, वो ब्राउन कलर की बर्फ है। नहीं. तो वो आपको सैंडी, उसको वो आप आराम से स्नो बता सकते हैं। लेखक के पास ये शक्ति होती है, उसके इमेजिनेशन में ये शक्ति होती है। तो कुछ लिखने के लिए वैसा आपके साथ हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी काल्पनिक शक्ति उतनी होनी चाहिए कि आप उतना कल्पना में जी सके, और इसलिए तो लेखक हमेशा खोए खोए रहते हैं दे कल्पना की दुनिया में। लिव इन देयर और ओन वर्ल्ड. हाँ, दे आर ऑलवेज इन देयर ओन वर्ल्ड। और दूसरी बात ये होता है, देखो क्या होता है कि हमारी जो जिंदगी होती है ना, वो कहानियों से नहीं बनती है, मगर कहानियां जो होती है ना, वो जिंदगी से जरूर बनती है। जो हम जीते हैं या हम जीते हुए देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने वो मूवी देखी है दिले मुश्किल, और मैं बहुत ज्यादा उस मूवी से ना, ऑल्दो वो मूवी इतनी हिट नहीं थी, मगर मुझे ना उसका कॉन्सेप्ट जो था बहुत ज्यादा अंदर तक छू कर गया कि यार क्यों पॉसिबल, इतना मुश्किल क्यों रहा अनुष्का शर्मा को समझाना कि मैं सिर्फ दोस्त चाहती हूँ और तुम मेरे दोस्त बन के रहो। लेकिन उस दोस्त ने ऐसी ऐसी कंडीशंस रख दी कि वो दोस्ती अपने आप ही मर गई। तब तक मतलब, यू नो, तो मुझे तब लगा कि क्यों, तुम करो ना इश्क, तुम्हें किसने रोका है हाँ, मुझे मेरे हिस्से की डू नॉट दोस्ती फोर्स निभाने की। द अदर वन. हाँ, कि हाँ, जस्ट, तो बिल्कुल बिल्कुल. वो एक चीज थी। मैम, जैसे आप में तो रिक्ता और जिंदगी की गुल्लक या और जो आपकी बुक्स है, तो उनकी जैसे उनका थीम, वो कहाँ से आपको आइडियाज है कि मुझे लिखना है? अच्छा, तो पहली किताब थी जिंदगी की गुल्लक। तो मेरा एक दोस्त है दिव्य प्रकाश दुबे, दिव्य की किताब आई थी मसाला चाय, और हम लोग फेसबुक से ही हमारी दोस्ती हुई थी, तो मैंने उसकी किताबें पढ़ी। उस टाइम पे मैं दिव्य को और अनु सिंह चौधरी को बहुत ज्यादा पढ़ती थी, ये मेरे पसंदीदा राइटर्स थे। दिव्य बहुत मसाला लिखता था तो मुझे अच्छा लगता था, और अनु बहुत अच्छी फिलोसफी लिखती थी तो मुझे पसंद थी। तो मैंने तब लिखना शुरू किया था, और मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास, सिवाय मेरे थॉट्स के मेरे लैपटॉप पे हिंदी राइटिंग का सॉफ्टवेयर तक नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता अच्छा. था कि लिखते कैसे हैं, तो मेरे पास सिवाय मेरे थॉट्स के कुछ भी नहीं थी, मैं बहुत रिसोर्सलेस थी। तो दिव्य से बात हो रही थी तो उसने मुझसे कहा कि यार क्या लिखती हो? मैंने कहा कविता है। तो कविता है कौन पढ़ता है? मैंने कहा अच्छा, तो एक किताब नहीं बिकेगी। मैंने कहा क्या पढ़ते हैं दिव्य? तो कहते कहानियां पढ़ते हैं लोग, किताबें कहानियों की पढ़ती है, बिकती हैं, तुम डेटा चेक कर लो। तो मैंने चेक किया तो कह तो सही रहा था, कविता की किताबें तो बिकती नहीं है, कविता की किताबें तो सिर्फ आपके दोस्त या आप किसी से मिले तो उसे गिफ्ट कर दे अपनी किताब, मतलब फ्री में ही जाती है। कवि कविता लिखना मुश्किल है, कविता दिल से आता है, ओरिजिनल ज्यादा होता है. हाँ, हाँ, लेकिन उसकी लोग मार्केट वैल्यू पढ़ते भी, हैं. हाँ, जी बिल्कुल. तो और वो भी फेसबुक आने के बाद तो और नहीं बिकेगी। तो मैंने कहा कि लेकिन मैंने तो कहानी लिखी नहीं है दिव्य, मैं क्या करूं? तो कहता है तो लिखना छोड़ दो। मैंने उसका फोन रखा
और उसके 10 मिनट के बाद मैंने उसको मैसेज किया, दिव्या अगर मैं अपनी कविताओं की कहानी लिखूं तो? उसका ना रिप्लाई नहीं आया इस मैसेज के, क्योंकि वो बड़ा राइटर था उस टाइम मेरी नजर में, वो अभी भी बड़ा। थोड़ा थोड़ा सा दिव्या हाँ प्रकाश, अभी, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है हाँ उनको। हाँ अभी भी वो बहुत मतलब ही इज डूइंग रियली रियली गुड। अभी PS1 और PS2 के डायलॉग्स उसी ने लिखे हैं, सो ही इज डूइंग अच्छा रियली गुड। सो उसने पढ़ा नहीं वो मैसेज, और 1 महीने के बाद किताब रेडी थी। मैंने सोचा कि कविताएं नहीं लोग पढ़ेंगे ना, तो कविता का जो भावार्थ होता है वो हम लिखते थे ना बचपन में, क्या लिखते थे कविता का, हाँ कवि कहना बिल्कुल, चाहता है, तो मैंने कभी कहा मैं कहना खुद चाहते बताऊंगी कि हाँ यहाँ पे तुम मत इंटरप्रेट करो, मैं बताती हूँ कि कवि क्या कहना चाहता है। तो मैंने हर कविता से पहले उस कविता को क्यों लिखा गया उसकी कहानी लिखी। ये उस किताब की यूनिक चीज थी, इसके कारण वो किताब काफी पॉपुलर भी हुई, और जैसे आपने बोला लोकसभा की लाइब्रेरी में जो रखी गई वो भी इसी वजह से रखी गई। तो इस तरीके से जिंदगी की गुल्लक ने ना मुझे साहस दिया। उसके बाद अब तक मुझे रेडियो का ऑफर आ चुका था, तो अब तो मैं कहानियां भी लिखने लगी। जी तो वो जो गद्य पद्य का जो कंफ्यूजन था वो भी खत्म हो गया था, हिंदी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो चुका था, मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए थे, अब लोग मुझे जानने लगे थे। बहुत बड़ा तबका नहीं लेकिन छोटा तबका मुझे पहचानता था। तो अब अगर मैं बुक फेयर में जाती थी तो ऐसे कई लोग मुझसे टकराते थे जो कहते थे आप मनीषा श्री हो ना, तो हाँ मुझे ना ये फीलिंग आई कि ये जो मैं कर रही हूँ ये ठीक कर रही हूँ, क्योंकि हर एक आदमी की एक डिजायर होती है। तो मेरी ये डिजायर थी कि जब मैं मरूं ना तो मेरे घर वालों के अलावा भी कई दिल टूटे, लोगों को पता चले कि ऐसे ही ना मैं आके चली जाऊं। मैं चाहती हूं कि जिस साथ मैं जाऊं और लोगों को खबर जाए तो कई तकिए भीगे, लोगों को लगे कि देर इज अ लॉस, और ये लॉस सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स को ना हो औरों को भी हो। तो मैंने कहा जो मुझे पड़ता होगा जब उसे लगेगा कि अब तो मनीषा है नहीं, तो वो बहुत रोएगा क्योंकि वो मुझे अब और आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो मुझे ये एक पावर अंदर से ना फील होने लगी कि अब मैं थोड़ा थोड़ा ही सही लोगों के दिल में बैठने लगी, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आपने कुछ बहुत दिनों से लिखा नहीं या बोला नहीं। तो उसके बाद मैंने रिक्ता लिखी, सीधा मैंने नॉवल लिखी। रिक्ता वॉज इंस्पायर्ड बाय अ डेली एक्सपीरियंस व्हेन आई वॉज लिविंग इन मुंबई ऑफ अ वर्किंग मदर, क्योंकि मैं एक वर्किंग मदर थी, हमारा बच्चा भी अनप्लान्ड था, और मैंने आपको बताया हमारी तो प्रॉपर साथिया टाइप साथी शादी हुई है, तो एकदम जो एक्चुअल लव मैरिज होती है, हमारे पास उसके फ्लेवर्स भी थे पूरे। तो वो सब करके आप कैसे अपनी लाइफ को डील करते हैं, और कई बार ये मैं बॉम्बे में ये देखती थी, ये कल्चर बहुत ज्यादा है कि बच्चा लोग पैदा करते हैं लेकिन पालते नहीं है, बच्चा नाना नानी पाल रहे होते हैं या दादा दादी पाल रहे होते हैं। अगर तो वो आपके घर आके रह ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना बच्चा उनके पास भेज देते। तो ये जो चीज थी ना ये मुझे बहुत पिंच होती थी, मुझे लगता था कि लोग कहते हैं कि 2 बच्चे करो 3 बच्चे करो, यार तुम्हारे पास पौना बच्चे के लिए वक्त नहीं है, तुमने दो दो तीन तीन कंडे किसके लिए है? और वो बेचारे बूढ़े बूढ़ी, उनसे चला नहीं जा रहा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, वो नौकरों के भरोसे बच्चे पलवा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि इतनी क्यों आफत है, ऐसी क्या जिद है जो इंसान से छूट नहीं रही है इस शहर में। तो वहां मैंने बॉम्बे, क्योंकि मैं बॉम्बे में रही हूँ और बॉम्बे मेरा पसंदीदा शहर है, मैं मरने के लिए बॉम्बे जाऊं मैं हमेशा अरे सबसे कहती हूँ। मरने की इतनी बात ही कर रहे हैं, और मैं आपसे अभी यही कहना चाह रही थी, आपने लिखा ना सुनो कुछ कहना है, तो मैं बस यहाँ कहूंगी सुनो कुछ सुनना है, मनीषा श्री जी से यही कहूंगी मैं, सुनो कुछ सुनना है, मरने की बातें ना करें आप ऐसे। नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ कि तो बॉम्बे को मैं अच्छे से पहचानती थी, हर चीज बॉम्बे की, जगह, कैफेज, ऑफिस, सड़कें, लोकल्स के टाइम, तो मेरे लिए बहुत आसान था उस शहर को दिखाना और उस शहर में कहानी को गढ़ना। मैं किसी और शहर का लिखती तो शायद वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। तो उस कहानी से मुझे नहीं पता कि कितने आदमियों ने कनेक्ट किया, मगर 8-10 हजार कॉपीज बिकी होंगी रिक्ता की, और मेरे पास 2-3 हजार औरतों के पर्सनल ईमेल्स हैं जहां पे उन्होंने लिटरली ये कहा कि हम ये काम कर रहे हैं।
हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं रह रहा है, हमारा बच्चा हमारे माँ बाप या हमारे इन लॉज पाल रहे हैं, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद उसमें से कम नहीं तो 25 औरतों ने तो मुझे ये बात कहा, ये बात एक्सेप्ट करी है कि ये कहानी पढ़ने के बाद हमें लगता है कि जब बच्चा पैदा हमने किया है तो इसकी परवरिश का हक हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब दैट इज द हम ये रियल नौकरी, सक्सेस एज अ राइटर, है ना, योर रियल यस सक्सेस। यस, कि अब हम ये नौकरी कैसे करेंगे, कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, ये हम दो जनों को बीच के बैठ के डिसाइड करना। तो लोग कहते हैं ना बच्चा प्लान करना, बच्चा प्लान नहीं किया जाता है, बच्चा होने के बाद की लाइफ को प्लान किया जाता है एक्चुअली में। लेकिन अगर एग्जैक्टली अनप्लान प्रेगनेंसी हो तो भी आपको यू नो इट्स इट्स नॉट अबाउट यू रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव बिल्कुल टू टेक अ चार्ज ऑफ इट। 25 से 30 औरतें थी जिन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि वो अपने मदरहुड को नहीं खो रही है, वो अपने मदरहुड से भाग रही है। और जब उन्हें लग रहा है कि मेरा बच्चा 7-8 साल का हो गया तो उन्होंने फटाक से दूसरा बच्चा पैदा कर लिया कि अरे मेरे सास ससुर बूढ़े हो रहे हैं, इनसे ये तो पलवा लो, अगर ये चले गए बड़ा कौन पालेगा। एटीट्यूड है ये ऐसा। हाँ हाँ, ये ऐसा एटीट्यूड है जो मुझे बहुत तकलीफ देता है। तो हमारा जब बेटा हुआ तो मैं बहुत जिद्दी थी, मैं अभी भी बहुत जिद्दी हूँ, तो मैं इस जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं मेरा बच्चा मेरे पास रह के पलेगा, चाहे मैं दिन में 4 घंटे उसके साथ रहूं या 24 घंटे साथ रहूं, वो मैं देखूंगी मैं कैसे मैनेज करूंगी, मगर मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा अगर मैंने बिल्कुल पैदा किया है और अगर मुझे नौकरी करनी है। तो ये अब हम दोनों के बीच का है कि हम कैसे उस चीज को साथ मैनेज लेकर करते। चले, मैनेज करेंगे। दादा दादी नाना नानी ने अपने पैदा कर लिए और उतने बड़े कर दिए कि अब वो दूसरों को पैदा कर रहे हैं, तो लेट देम लिव इन पीस, उन्हें उनकी लाइफ एंजॉय करने दो, उन्हें पोते पोती नाती नतनी के साथ खेलने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें पालने का अवसर जो हम देने लगते हैं ना, हम नोइंगली अननोइंगली उनके ऊपर एक दबाव डालते हैं, हालांकि वी आर उस कहानी में। इम्पोजिंग बर्डन ऑन देम एक्चुअली, यदि हाँ ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं इम्पोज करते हैं एक तरीके एग्जैक्टली, हालांकि उस कहानी में तो मैंने दूसरा पहलू दिखाया है कि जो लड़की के इन-लॉज है वो भी इतने सपोर्टिव नहीं है, वो एक तरीके से उसे बदला लेने के लिए बच्चा लेके जाते हैं, बट वो भी एक औरत की कमजोरी थी या उसका स्वार्थ था कि उसने अपने बच्चे को जाने दिया। कमजोरी मैं नहीं मानूंगी, उसका स्वार्थ था, क्योंकि उसे लाखों की नौकरी उस आधे फिट के बच्चे से ज्यादा प्यारी, इसलिए उसने जाने दिया। जब तक उसे रियलाइज नहीं हुआ कि ये आधा फिट जो है यही जिंदगी है, ये लाख तो ये आएंगे जाएंगे, पूरी जिंदगी है ये। ये पूंजी है ठीक है, जिसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई मैं तभी करूंगी जब मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगी खुद को, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन उन्हीं को मिलेगा जो इन्वेस्ट करेंगे खुद को। तो दिस इज द बिल्कुल थॉट बिहाइंड दैट स्टोरी, एंड मेरी अभी भी रिक्ता बहुत फेवरेट स्टोरी है। उसके बाद मैंने सुनो कुछ कहना है पॉडकास्ट को ही एक किताब में बनाया, और वो अमेजोन पे है किंडल में। एक किताब मैंने लिखी मेरा कृष्ण कोई नहीं, ये कहानी एक कपल की है जिसकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी आती है फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, और फिर वो एग्जिट हो जाती है, बट वो जो थर्ड पार्टी आती है वो उस कपल के लाइफ की प्रॉब्लम्स को दुनिया को ऐसा लग रहा है कि बढ़ा रही है, बट रियलिटी ऐसी है कि उसने उनकी बड़ी मेजर मेजर प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व कर दी। तो कई बार हमें समझ नहीं आता है वो कुछ हो रहा होता है ना, हम कहते हैं ना ये तो बहुत बुरा हुआ, और लोग हमें कहते हैं कि नहीं बुरा नहीं हुआ, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। तो जब आपके साथ बहुत बुरा होने लगे ना तो आप समझ जाओ कि अब अच्छा होने का वक्त आ गया है। तो दैट्स अ स्टोरी ऑफ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ लव ट्राइंगल दैट द थर्ड पार्टी एंटर्स, एंड एक बंदी है जिसके साथ डोमेस्टिक एब्यूज होता है, शी गोज आउट ऑफ द हाउस यू नो टू लुक फॉर अ फ्रेंडशिप, बट इन रिटर्न शी विल गेट समथिंग एल्स, अ बिट्रेयल, तो हाउ शी डील्स विथ इट एंड हाउ यू नो शी रीबिल्ड हर होम, और कैसे उसका हस्बैंड भी उसको वापस सपोर्ट करता है। इट्स अ वेरी इंटेंस स्टोरी बट इट्स लिटिल इट्स वेरी इंटेंस एक्चुअली, वो लिखने में लाइफ में मेरे, किसे कहते हैं ना, हाँ, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इट इज लाइक दैट, कि प्रॉब्लम्स भी हाँ आकर कुछ ना कुछ सिखाकर जा रही है। उससे खाके जाते हैं। तो दैट दैट इज अ
मैं आपको भी लिंक भेजूंगी, अगर आपके पास वक्त हो तो आप भी पढ़िएगा। तो मेरा बिल्कुल फिर हाँ कोई नहीं जो है, दैट इज अगेन यू नो रियलाइजिंग योर ओन पावर, कि एक औरत जब तक ये नहीं समझ पाती है कि उसके हाथ में है चेंज करना, तब तक चेंज नहीं होता है। वो जिस दिन सोचती है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, मुझे बदलना है, वो चीज बदल जाती है। और एक और चीज ऐड करूंगी मनीषा, कि दिस इज माय डीपेस्ट फिलोसफी ऑफ लाइफ, कि अगर आपने गलत को छोड़ दिया तो वो गलत ही रह जाएगा। आपको गलत के साथ रहना पड़ेगा उसे सही करने के लिए। तो अगर कोई इंसान गलत है, कोई रिश्ता गलत है, तो लोग बिल्कुल क्या करते हैं, उस रिश्ते से बाहर भाग जाते हैं। तो आप उस रिश्ते से बाहर भाग गए, लेकिन वो गलत तो गलत ही रह गया ना। आप लगे कि एनर्जी अगर आप बिल्कुल रुक गए उस रिश्ते में, और आपने उस रिश्ते को सही कर दिया और अपने मन मुताबिक कर दिया, तो ये पावर औरत के पास होती एग्जैक्टली है, आदमी नहीं करता। ठीक, आदमी जितना निभता उतना निभाता है और छोड़ के चला जाता है, औरत उसको ठीक करती है। आप देखिए कि एक औरत जिसकी शादी को 5 साल होते हैं और एक औरत जिसकी शादी को 35 साल होते हैं, 35 साल वाली औरत का घर पे कितना होल्ड होता है, वो बिल्कुल पति बेटे बहू देवर जेठानी सबको नचा रही होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो उसके पास पावर है अपने मन मुताबिक अपने माहौल को बनाने की, लेकिन अगर वो अपनी पावर को यूज ही नहीं करेगी तो आप क्या कर सकते हैं। आपके घर में एयरकॉन है, आपको स्विच तो ऑन करना पड़ेगा ना, तो अपने आप ठंडी बिल्कुल हवाएं बिल्कुल आएंगी। तो वो स्पेस पोजीशन आपको बनानी पड़ती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। अभी मैंने एक बात हुई थी मेरी एक राइटर से, तो उन्होंने लिखा था राजगद्दी एक कहानी। तो ये राजगद्दी आपको तभी मिलती है जब व्हेन यू आर वर्किंग अपॉन दैट। आपको यस, बनाना पड़ेगा वो प्लेस पोजीशन यू अपने हैव लिए। टू, या यू हैव टू मेक योर ओन स्पेस। अच्छा मैम, तो अब जैसे ये जो लिखा है बहुत ही, मतलब आई एम हैप्पी टू सी कि आप स्क्रिप्ट राइटर है वो एनआरआई वाइव्स की। तो ये हाँ नाम भी लग रहा है जैसे कि, तो बट ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा। मतलब आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट कि थैंक एक यू। स्क्रिप्ट राइटर एक मूवी में आ रहे हैं, और वो भी मेरी जो जिनकी मैं जो मेरी फेवरेट है मनीषा श्री, तो वो आ रही है थैंक उसमें। यू। तो कैसे, मतलब ये जर्नी है आपकी अपना टुवर्ड्स मूवीज और सिनेमा? एक्चुअली ये तो तभी स्टार्ट हो गया था जब मैंने रेडियो पे लिखना स्टार्ट किया था। तो आप ऑलरेडी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ चुके थे, तो जब मैं वहां पे लिख रही थी तो मेरी कई लोगों से जान पहचान हुई। तो फिर आपका एक दायरा थोड़ा सा ना, डायामीटर जो होता है आपके सर्कल का, वो अपने आप बड़ा होने लगता है। तो मेरे जो प्रोडक्शन हेड थे उस टाइम पे, आप लोग शायद देखेंगे, वो काफी फेमस यूट्यूबर है आजकल, उज्जवल त्रिवेदी करके नाम है उनका। तो मैंने उनके साथ काफी काम किया है। तो उनकी कोई जानकार थी जो बॉस्टन में रह रही थी, तो उन्होंने मेरे को उनसे कॉन्टेक्ट, मतलब हमारा आपस में बातचीत कराई, हम लोग कॉन्टेक्ट में आए। उन्हें एक शॉर्ट मूवी बनानी थी, टैबू। तो उन्होंने कहा कि आप स्क्रिप्ट लिखिए। तो मैंने कहा ठीक है। उससे पहले मैं ऑलरेडी स्क्रिप्ट कैसे लिखते एक हैं, वेब उसमें सीरीज क्या, में भी, आई थिंक आपने वेब सीरीज में भी काम किया था, इफ आई हाँ रिमेम्बर। मैंने, ये भी हाँ, देहरादून में एक है कपल करके नाम है, कपल खांकरिया, उनके लिए मैंने एक एग्जिट पास करके थी, वो कोरोना के ऊपर बनाई थी। दैट्स आल्सो राइटर्स ब्लॉक के ऊपर वो स्टोरी थी। तो पुनीत त्यागी थे, उनका स्टोरी आइडिया था और उनका डायरेक्शन भी था, तो उनके साथ बनाई थी। उसके अलावा भी मैंने छोटी छोटी काफी शॉर्ट मूवीज लिख ली थी, तब तक जब तक गुंजन आई मेरी लाइफ में। तो गुंजन ने कहा टैबू लिखनी है, तो उसने मुझे स्टोरी का आइडिया बताया कि ये है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने एक शॉर्ट मूवी लिखी, उसी बीच में उसने मुझसे दो चार और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करवा लिए थे। तो जब टैबू लिखी गई और वो टैबू को पिच करने के लिए गई, तो सामने से आया, उसी टाइम लव स्टोरीज आई थी, कि आप ऐसी और कहानियां लिखकर एक एंथोलॉजी क्यों नहीं बनाते हैं? फिर गुंजन ने और कहानियां, उसके पास सभी कहानियों के वो थे, स्टोरी आइडियाज थे, और काफी इंटेंस आइडिया थे, दे आर वेरी बोल्ड स्टोरीज। तो फिर गुंजन इस पे काम करना शुरू किया। एक और राइटर है समीरा फैजल करके, जो वहीं पे कनाडा में रहती है, गुंजन ने खुद भी कुछ कहानियां लिखी हैं। तो इस तरीके से करके हमने मिलकर वो किया, अच्छा स्टार कास्ट खुला पाई फ्लोर पे, उसने बहुत मेहनत करी। तो इस तरीके से ये हुआ। हाँ, मेरे पास स्क्रिप्ट का ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी था, और बस ये समझ लीजिए कि गुंजन को मैं भा गई।
उसको पसंद आ गया और हमारा हमारा काम जम गया, तो उस तरीके से लिखा। ये एनआरआई वाइब्स की जो सबसे ब्यूटीफुल बात है ना, आप देखेंगे, देखिए हमारी पहली कोशिश है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दी बेस्ट बनी, लेकिन हाँ बहुत कोशिश की गई है, अच्छे एक्टर्स ने काम किया है, बहुत पुराने और काबिल एक्टर्स आए हैं समीर इस मूवी सोनी में भी है, काम। गेस्ट है समीर सोनी, आई थिंक। समीर सोनी है, भाग्यश्री है, जुगल हंसराज है, राइमा सेन है, अदिति गोविंदकर है, कीकू शारदा है, सो सारे जाने पहचाने नाम है इसके अंदर। तो उसका एक बहुत ही क्लियर वो था टैगलाइन, कहानियां बोल्ड होगी, सीन एक भी बोल्ड नहीं होगा। चार कहानियां हैं, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट्स पर है, मगर आपको एक किसी सीन भी नहीं दिखेगा, बट यू विल फील द इंटेंसिटी कि यस द स्टोरीज आर वेरी वेरी बोल्ड। तो ये एक चैलेंज था, मतलब एनआरआई वाइब्स एक्चुअली पहले इसका नाम ग्रे स्टोरीज था, तो ये उसे लिखने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपको बोल्ड स्टोरीज लिखनी है लेकिन कामुकता हाँ नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो यू हैव टू ये मेंटेन दैट फाइन लाइन इन दिस, है ना, यस, डिपिक्टिंग द कैरेक्टर्स। एंड इट वाज लाइक इफ यू हैव सीन द लव स्टोरीज देयर आर सो मेनी सीन्स, हाँ सो ऑल द टॉपिक्स आर लाइक दैट ओनली, बट देयर इज नथिंग जहां पर आप ए का वर्ड लगाएंगे। वैसे है वेरी नाइस। तो देखते हैं कि आई होप कि आई जस्ट विश रेडियो हिंदुस्तान, और अपने पर्सनली मैं विश करती हूँ कि दिस मूवी मस्ट बी अ ग्रेट सक्सेस एंड अ न्यू या बिगनिंग yeah, फॉर यू। इट्स अ न्यू बिगनिंग, खाता खुल गया है, तो आई विश के खाते में बिल्कुल अच्छी चीजें जमा होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, या सो नाइस टू टॉक टू यू मैम हियर। और बस इसके साथ साथ मैं जब चलते चलते, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि आपका भी टाइम थोड़ा सा, आपके और भी बहुत सारे है ना अपॉइंटमेंट्स है, आप बता रहे थे कि जैसे यू हैव सम क्लास और लाइक दैट, तो हाँ, हाँ, तो इसलिए तो मैं बस अभी ये लास्ट की, जैसे अभी स्टार्टिंग हमारी जहाँ से हुई थी, मैं उसी पॉइंट पर वापस लेकर आती हूँ। अच्छी माँ मतलब, तो अभी इतना जितना ज्यादा आपका इतना बिजी शेड्यूल होता जा रहा है, तो जो माँ वाला रोल है, या कान्हा है ना आपके बेटे का नाम, आई रिमेम्बर कान्हा, नहीं काना नहीं है, शौर्य है, शौर्य, शौर्य, शौर्य। हाँ, तो शौर्य, शौर्य को कैसे टाइम मैनेज करते हो बस? नहीं मेरा बेटा 3 बजे घर आता है और उसके बाद मैं सिर्फ माँ होती हूँ। हम बहुत बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। शौर्य से कोई मिलेगा तो कहेगा कि वो बिल्कुल बात नहीं करता है, इज अ वेरी शाय बॉय, बट मेरे साथ तो हमारी बहुत बातें होती हैं और मैं उसे पढ़ाती भी हूँ, तो माँ वाला काम मैं कर रही हूँ, मैं माँ हाँ बनने की पूरी कोशिश में That हूँ process is अच्छी से, going on. और मैं हाँ मेरे बेटे की फेवरेट माँ हूँ। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग हाँ वास्तव में, अभी आप ये कह रहे थे ना कि जज करना, तो जज करना हमें दूसरों की ना दरकार ही नहीं होती कि कोई और हमें जज करे। सो जिनसे हमारा लाइक, जैसे आप बेटा है तो वो खुद जज करेगा ना कि वेयर माई मदर स्टैंड और वॉट शी इज फॉर मी, है ना। ये सारी हाँ चीजें हमें ज्यादा मैटर करती है, बजाय यानी कोई टॉम डिक और हैरी कोई हमें जज कर रहा हो, उससे ज्यादा बेटर होती है वो तो करेंगे ना, जिनको। आपने कहा ना कुछ तो हाँ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो लोग बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल, वो कुछ अच्छा बन जाएगा तो भी लोग कहेंगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा तो भी लोग कहेंगे, अगर बन जाएगा तो लोग कहेंगे अपनी मेहनत से बना, हाँ नहीं बनेगा तो मेरे डीएनए को कोसेंगे। तो आप किसी भी तरीके से उससे एस्केप नहीं कर सकते हैं, द ओनली थिंग यू कैन डू इज लाइक इग्नोर देम। बिल्कुल। और लास्टली जैसा हाँ बताइए, यस प्लीज कंटिन्यू, हाँ प्लीज जैसा मैंने कहा कंटिन्यू। कि एक माँ जो होती है वो सिर्फ माँ होती है, वो अच्छी और बुरी नहीं होती है, वो अपने बच्चे के लिए उसका पूरा जहान होती है। ये बात आदमी को तब अच्छे से समझ में आती है जब उसके पास माँ नहीं बचती हाँ है। एग्जैक्टली माँ आदत नहीं होती है, माँ आपको जैसे आपका आईना होती है, आप अपने माँ के सामने नंगे होते हो, और किसी सब के सामने इतने आराम से आप नंगे नहीं हो सकते जितना अपने माँ के सामने हो सकते हो। तो माँ आपका भरोसा होती है, आपका आईना होती है, जब अचानक से मेटाफोरिकली इट इज यस लाइक दैट, कि शी नोज एवरीथिंग अबाउट यू यस मोर देन तो यू। जैसे वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाती है ना,
उस दिन आपको समझ में आता है। तो इसलिए मेरी माँ नहीं है अब इस दुनिया में, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक हूँ मेरे बेटे के लिए मैं पूरी रहूँ उसके लिए। उसके बिल्कुल पास खूब सारी यादें होनी चाहिए मेरी, तो बस माँ माँ होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अपना पूरा वक्त दूँ, उसका सहारा बनूँ, उसको इमोशनल, उसको अभी तो बेचारा क्या फाइनेंशियल सपोर्ट की उसे क्या ही जरूरत होगी 15 साल के बच्चे को, उसको पूरा इमोशनल सपोर्ट मिले मेरा, उसकी पढ़ाई में मैं जितनी मदद कर सकती हूँ। देखो पढ़ी लिखी माँ होने का एक फायदा ये भी होता है जी, कि बिल्कुल आप अपनी माँ, आप जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा आदमी पैसे ही कमाए, पढ़ा हाँ, लिखा आदमी अपने से बेहतर पढ़ा लिखा आदमी भी बना सकता है। बिल्कुल। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जिंदगी जो गढ़ने का काम है ना, वो माँ करती है मतलब इससे। हाँ और आप तो साथ में राइटर भी हैं, तो अपनी रचनाओं के माध्यम से भी आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि मैम, आई जस्ट वॉन्ट कि आपको एक अच्छा सा मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए, जो भी आपको सुनेंगे, जहां भी सुनेंगे, एक अच्छा सा कोई मैसेज कन्वे करें, जिससे कि एक नई दिशा दिखाए, कि स्पार्क मतलब इग्नाइट करें कुछ ऐसा। मैसेज तो मैं क्या दूंगी, अब मैं कोई भगवान तो हूं नहीं ना नारद हूँ। मैं बस ये कहूंगी अगर आपके मन में कोई भी भावना है ठीक है, तो आप उसको जाहिर करें। दुनिया के आगे नहीं भी कर सकते तो अपने आईने के आगे जाहिर करें। जिस दिन आप अपने आईने से सच बोलना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप खुद से सच बोलना शुरू कर देंगे, और जिस दिन आप खुद से सच बोलना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपके मन से सारा डर निकल जाएगा। और उस सत्यम दिन की बहुत क्लियर, सुंदर है हाँ उस दिन आप रेडी हैं इस दुनिया को फेस करने के लिए, और आपको बस वही वही एक चीज चाहिए। तो यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। और गलतियां सबसे होती हैं, तो खूब गलतियां करें, बस कोशिश करें कि एक ही गलती को बार बार ना करें। एट दिस यू नो टर्न ऑफ योर लाइफ, मतलब ये जो पॉइंट है अब आपका, तो हाउ यू लुक व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, की जहां से शुरू हुआ और आज आप जहाँ पहुंच चुके हो अपने इस जर्नी पर, डेस्टिनेशन अभी मैं नहीं कहूंगी कि आप पहुंचे हो, यू हैव टू गो टू ग्रेटर हाइट्स, अभी तो और भी बढ़ना है आगे। तो हाउ यू फील, कैसा इट्स फील हो मैजिकल, रहा? इट्स मैजिकल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा और मैं ऐसा कुछ करूंगी। हाँ मैंने कोशिश बहुत करी है, और जैसा तुमने कहा कि अभी तो बहुत आगे जाना है, तो मुझे अभी तक ना किक नहीं मिली है, मुझे अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ है कि जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो औरों को भी मिल सकता था, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मिली है। अभी तक मैंने वो लिखा ही नहीं है, अभी तक वो चीज बनी नहीं है। टाइमलेस टाइमलेस हाँ क्रिएशन कुछ और लाइक हाँ तो हाँ तो जैसे मास्टरपीस कहते हैं, अभी वो मेरा मास्टरपीस जो है वो अभी तक आया ही नहीं है। बट हाँ जो ये सफर है ये सच में मैजिकल है। मैं जहां से आ रही हूँ ना, जो मेरा पास्ट है और जो मेरा प्रेजेंट है, इसमें बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब ये एकदम देहात से पेरिस तक का सफर है। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत मैजिकल है, और मैं ये जर्नी सच में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ ये जर्नी खत्म ना हो, ये जी। चलती रहे। मतलब मेरी हर जीत ना मेरे सामने एक और चैलेंज आए कि यार ये तो हो गया, आगे क्या। हाँ तो एक नॉर्मल सी लड़की जो बहुत दिखने में भी आम थी, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता था, जो किताबों के पीछे छुपी रहती थी, उसका इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाना, वहां से एक बहुत अच्छी नौकरी लेके बाहर निकलना, अपनी जिंदगी बनाना, महानगर में अपना एक बड़ा घर खरीदना, गाड़ियां खरीदना, ये सब करते हुए फिर अचानक से वापस जीरो पे आ जाना, और फिर एक नई दिशा में चले जाना। तो वो जो कहते हैं ना कि जिंदगी का हर स्वाद चखना, तो मुझे भगवान वो चखा रहा है। एंड मुझे फील होता है जैसे आई एम द चूजन वन। ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है कि आप नीचे से ऊपर जाइए, फिर ऊपर से अपनी मर्जी से नीचे आइए, फिर नीचे से ऊपर जाने की जर्नी स्टार्ट करिए। तो मैं इसके लिए सच में भगवान का बहुत शुक्रिया करूंगी कि थैंक यू वेरी मच सबका, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, कि मैं जो जो करना चाह रही हूँ ना, और मैं जैसे दिखना चाह रही हूँ, मुझे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरे आसपास के जो 3-4 लोग हैं ना, वो मुझे जज नहीं कर रहे, और ये जी बहुत बड़ा हौसला है एक आदमी के लिए। किताबों आपने अभी यूज किया ना, पहले किताबों के पीछे छिपी लड़की, और आज किताबों के ऊपर ही उसका महल बन रहा है, उन्हीं किताबों से उसका
हाँ बिल्कुल, एक तो वही रहना थी, मैं चाहिए किताबों के पीछे छुपी रहती थी, छोटी जी। थी या बड़ी हो रही थी तो मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता था। पहले तो मैं निकल भी जाती थी ना तो कोई देखता भी नहीं था। आई वाज सो सो सिंपल एंड कोई, जैसे कहते हैं ना, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो आपने अपना अस्तित्व बनाया, एक अस्तित्व बना लिया, फिर उस अस्तित्व को छोड़ दिया, अब आप दूसरा अस्तित्व बना रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को मिलती है एक जिंदगी में। बिल्कुल अदरवाइज आदमी डॉक्टर डॉक्टर ही रह जाता है, टीचर हाँ, टीचर ही रह जाता है, इंजीनियर इंजीनियर। आप एक बहुत बनाकर दूसरी चीज पर हाँ। लग गए, तो ये बहुत, सच में ये बहुत बड़ी रहमत है। अभी इसी से अभी मैं बस बातों में से बातें निकल रही, इतना इंटरेस्ट आ रहा है। आपने जैसे ही कहा तो फ्रॉम एन इंजीनियर है ना, हाउ यू फेल्ट देयर बिकॉज यू अचीव्ड दिस ग्रेट सक्सेस देयर आल्सो। ऐसा नहीं था कि आपको वहां पर रिजेक्ट हुआ और तब आप ऐसे आए। यू अवेल्ड अ ग्रेट सक्सेस देयर एज एन इंजीनियर, और अब यहाँ पर एक राइटर की तरह से जब आपको जो फेम मिल रहा है या जो सक्सेस मिल रहा है, तो दोनों का अपना एक्सपीरियंस में क्या कुछ डिफरेंस है या सेम? हाउ यू फील? वो सक्सेस था कि यस यू आर मेकिंग मनी, यू आर मेकिंग मनी, बट यू आर वन ऑफ देम। तो वो मैं ये नहीं कहूंगी कि देखो उस इंडस्ट्री में आई हैव नॉट क्रिएटेड अ चेंज। अब समझ रहे हो, आप अगर कहीं काम करते हो तो आप क्या अंतर ला रहे हो वहां पर। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भर भर के डॉक्टर्स इंजीनियर्स सीए सीएफएस बना रहे हैं, ये क्या चेंज ला रहे हैं? अगर तो मैं मौलाना अबुल समाज बदल पाती तो मैं अपनी पीठ थपथपाती। वहां ने अपनी जिंदगी को बदला, अपनी जिंदगी को सुधारा और अपने आप को एक लेवल पे लेकर गई। यहाँ मैं एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ तो मेरे काम से समाज को फर्क पड़ रहा है। यहाँ आई एम इंडिविजुअल गिविंग सक्सेस और सोसाइटी। सोशल, यस यू आर डूइंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी एंड सोशल सोसाइटी ऑल्सो। वहां आई वॉज जस्ट डूइंग फॉर माई सेल्फ, नाउ आई एम डूइंग फॉर द पीपल। वेरी नाइस इट इज आपसे बात करना, मुलाकात सच में बहुत बहुत अच्छा। और जिंदगी की गुल्लक, मुझे लग रहा है कि मेरी गुल्लक में भी बहुत कुछ आ गया आपसे बात करके। जो पॉल्स ऑफ विजडम है, बहुत कुछ अच्छा लगा आपसे बात करके। सो आई वुड लाइक कि मैम जस्ट रिसाइट फ्यू लाइंस ऑफ योर पोएम जो आपको अच्छी लगती है। जो ऑल वो सारी अच्छी है, लेकिन कुछ लाइंस के साथ एंड करें हम। अच्छा एक सेकंड रुको, तो मैं कुछ निकालती, मैं ऐसे ही कुछ खोल लेती हूँ कि अगर कुछ अच्छा। तो शब्द है मेरे पास लुटाने को, किसी को लाख लगते हैं किसी को खाक लगते हैं, हम तो बेफिक्र अपनी दौलत लुटा रहे हैं, किसी को आम लगते हैं किसी को खास लगते हैं। वाह वेरी नाइस, आप खास है। एक आपने कहा था, अपने लिए वर्ड यूज किया था ना कि आम सी लड़की है लेकिन जो बहुत खास है। और ये भी एक क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली आई शुड से कि जो आप हम्बल होते हो ना, इतनी ह्यूमिलिटी रखते हो, तो दैट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव क्वालिटी, दैट इज वेरी रेयर यू फाइंड इन द पीपल। जरा सा आजकल की दुनिया में किसी को थोड़ा सा चीज में मिलता है और वो सीधा चने की झाड़ पर बैठ जाता है बिल्कुल। ऐसा मैंने देखा अपने रियल लाइफ में भी लोगों को। लेकिन जो रियली जो ग्रेट पीपल होते हैं, जो अपने इस आम, जो कह रहे हैं ना कि अपना जो अपने आप को आम समझना, इस फील को रखते हैं, और यही उनको अपना आम समझना वो उनको खास बना देता है। तो वेरी वेरी नाइस इट इज कि हमें आपको को सुनने को भी मिला। फिर सोचती हूँ कि फिर से एक बारी है ना, ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि फिर से हम मिलेंगे और बात करेंगे। और उस बार सबसे ज्यादा मैं सुनूंगी आपको, तो मैं बस यही कहूंगी सुनो कुछ सुनना है मनीषा जी ठीक है, आपसे। थैंक जरूर जरूर, यू सो ओके मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर इन द लाइवली लम्हे। तो नमस्कार ओके, और शुभकामनाएं नमस्कार, आपकी आने वाली मूवी के लिए कि बहुत बहुत अ ग्रेट सक्सेस इट शुड बी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।